चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका साइड वाला पैनल इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें कुल टोटल 4 से 5 नट बोल्ट दिए होते हैं जो कि बहुत ही आसानी से खुल जाएंगे आप। और ये 10 नंबर के नट हैं ये। और ये एक साइड में दिया हुआ है, इसको ओपन कर लेंगे जो कि बहुत ही आसानी से ओपन हो जाएगा। और ये कि इसके नीचे ये वाला, इसको खोल लेंगे हम। और एक इसके अंदर भी दिया होता है। और ये साइड में इसका ये लॉक सिस्टम भी दिया है जो कि फ्रंट बम्पर खोलने के लिए होता है, उसको भी ओपन कर लेंगे। और जो साइड में इसके ये इंडिकेटर दिया हुआ है, इसका भी हम कनेक्शन अलग कर लेंगे जो कि आसानी से बाहर आ जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमने पैनल को खोल ओपन करके साइड में रख लिया है। और आप ये देख रहे होंगे, इसमें ये होल दिया हुआ है जो कि पानी बाहर निकालने के लिए होता है। इसमें से ज़्यादातर चूहे अंदर जाते हैं। इसको सबसे पहले हम कोई भी जाली हो या फिर ऐसे कोई लोहे की पत्ती आप ले सकते हो, जो कि एक स्क्रू की हेल्प से आप इसमें लगा सकते हो। जो कि आसानी से चला जाएगा इसके अंदर। ये देखिए, ऐसे आप लगा सकते हो इसके अंदर। तो आगे हमने इसका एक वाइपर खोल के स्प्रे को ओपन कर लिया है, जो कि इसमें 4 से 5 लॉक सिस्टम भी दिए होते हैं, वो भी आप ओपन करके इसको खोल सकते हो। आसानी से खुल जाएगा ये। तो इसके अंदर ये आप जो बड़े बड़े होल देख रहे हो ना, इसके अंदर से चले जाते हैं जो कि हमें काफ़ी बड़ा नुकसान कर देते हैं। और आगे हम इसके अंदर सीधे से जाली लगाकर आपको दिखा देंगे। ये देखिए, यहाँ से जाली लग जाएगी और आप ये देख सकते हो कि आप ऐसे बेंड करके जाली को लगा सकते हो और वाइपर वाली जगह को छोड़ सकते हो, इसमें होल कर सकते हो जाली के अंदर। ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। इस तरह से आप इसको लगा सकते हो।